अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, बहुत से जो नए यूट्यूबर्स हैं वो मेरे यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्यू एंड ए वीडियो ही बना लीजिए इस पर। सो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मैं उनकी क्वेश्चंस के जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर न्यू यूट्यूबर्स को पता होने चाहिए। सो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक भाई ने पूछा कि अगर मेरे चैनल पर चार वीडियोज एक ही टॉपिक की हैं तो क्या मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा या नहीं। भाई, आपके चैनल पर सेम टॉपिक की चार नहीं दस वीडियोज भी हों तो कोई इशू नहीं, मगर एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने ये नहीं करना कि एक ही वीडियो को फोर टाइम अपलोड कर दिया हो अलग थंबनेल लगाकर, अलग से टैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह देकर। ये नहीं करना कि वीडियो एक ही और आपने इस पर कमेंट्री अलग अलग डाल दियो। ये सब जो है वो रिपीटिशियस कंटेंट में आता है और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आप सेम टॉपिक पर जो है वो 10 वीडियो भी बना लो, सबके टैग्स अलग हो, हर वीडियो का कंटेंट एक दूसरे से मिलता ना हो, मतलब ये कि ये नहीं करना कि एक वीडियो का दूसरी क्लिप में भी मौजूद हो। एक वीडियो बनाइए, आप उसी टॉपिक पर न्यू वीडियो बनाएं, अलग से दोबारा आप उसमें कमेंट्री ऐड करें या बीजी म्यूजिक जो आपकी निच है आप उसके हिसाब से अपनी वीडियोज को बनाएं। आपकी जितनी भी वीडियोस एक ही टॉपिक पर हैं उन सब के टैग्स भी डिफरेंट होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट होनी चाहिए, थंबनेल्स भी डिफरेंट होने चाहिए, और जितने भी आपने वीडियो बनाई है उसमें सारे का सारा कंटेंट एक दूसरी वीडियो से मुख्तलिफ होना चाहिए। एक जैसा उनका कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही टॉपिक पर बात करिए तो उसमें अलग अलग जो है उसमें कॉन्टेंट डालने की कोशिश करो। ओके, तो अब हमें दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एक भाई ने पूछा कि अगर मैं जो है अपनी वीडियो को प्रमोट करता हूँ गूगल एडवर्ड से तो क्या मेरी मोनिटाइजेशन में कोई इश्यू होगा या नहीं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 80% न्यू यूट्यूबर्स को इसका आंसर भी नहीं पता होता। यहाँ पर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपने गौर से सुन लेनी है। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और आपने अपनी वीडियो को गूगल एडवर्ड से प्रमोट किया है और आपकी वीडियो जो वायरल हुई है और काफ़ी सब्सक्राइबर आपने गेन किए हैं, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक चीज़ को समझे जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वीडियो को प्रमोट करने से पहले आपके चैनल का जो वॉच टाइम था वो 1000 आवर्स था, और प्रमोट करने के बाद जो है वो आपका 1200 आवर्स हो गया, तो ये जो आपने जो 200 आवर्स का वॉच टाइम गेन किया उस वीडियो को प्रमोट करने के बाद, ये उन 4000 आवर्स जो रिक्वायर्ड है मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ वो सब्सक्राइबर काउंट होंगे जो आपने प्रमोशन के बाद गेन किए। अगर आपके चैनल पर 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है उन 200 आवर्स को छोड़कर, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो प्रमोशन आपकी मोनेटाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, सिर्फ उससे गेन किया गया वॉच टाइम जो है वो काउंट नहीं किया जाता। ओके, एक और भाई ने यहाँ पर पूछा कि भाई हमारी जो वीडियोस होती हैं जो मोनेटाइजेशन से पहले हमने अपलोड की होती हैं क्या उनसे हमें अर्निंग होती है या इनकम उनसे हमें मिलती है मोनेटाइजेशन होने के बाद। तो भाई यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, जी हाँ, आपको बिल्कुल मिलती है उससे अर्निंग। मगर अक्सर यूट्यूबर समझते हैं कि अगर मोनेटाइजेशन से पहले जो वीडियोज हमने दिए हैं अगर उन पर मिलियन प्लस व्यूज होते हैं तो मोनेटाइजेशन एबल होने के बाद उन वीडियो से लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, आपकी पास्ट की जितनी भी वीडियोस होंगी अगर आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल होगी तो उन पर जो न्यू व्यूज आएंगे उनकी जो अर्निंग बनेगी सिर्फ वो अर्निंग आपको मिलेगी। आपके पास्ट के जितने भी व्यूज थे उनसे आपको कोई अर्निंग नहीं मिलने वाली। आपके जितने न्यू व्यूज आएंगे वहां पर आपके जितने डॉलर्स बनेंगे न्यू व्यूज आने की वजह से वो आपको फिर अपनी पास्ट वीडियो से मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भाई को कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।